वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल चल रही है नवरात्रि, और नवरात्रि फेस्टिवल में सारे लोग माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी माता रानी को प्रसन्न करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं, और जरूरी भी है। नवरात्रियों में पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और करना भी चाहिए। माता रानी को खुश करने के लिए हमें जो कुछ हमारे हमसे हो पाता है, हमें वो करना चाहिए। तो गाइज, आज के जो व्लॉग है मेरा, आज का व्लॉग, इसमें मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों को इस व्लॉग में मैं माता रानी के दर्शन कराने जा रही हूँ, माता रानी के भजन सुनाने जा रही हूँ, कीर्तन भजन सुनाने जा रही हूँ। कीर्तन था और सुबह जब कीर्तन था तो मैं वीडियो नहीं, तब मैं इंट्रो नहीं दे पाई, और मैंने वीडियो तो शूट किया बट इंट्रो नहीं दे पाई। तो मुझे लगा अभी, मतलब शाम का टाइम हो चुका है, तो मुझे लगा अभी इंट्रो दे देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। तो आगे आप लोगों को इस वीडियो में हमारे घर में जो कीर्तन हुआ था वो थोड़ी छोटी सी क्लिप दिखेगी। उसके बाद हम गए थे माता रानी की चौकी थी यही मंदिर में, जो हमारे घर के पास का मंदिर है, वहां पे गए थे। उसके बाद हमारे गली के पीछे ही, पीछे दूसरी गली में किसी ने जागरण किया हुआ था, वहां पे भी हम गए थे। जागरण स्टार्ट नहीं हुआ था तो हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि टाइम 11 बज चुकी है और मैं और मेरी देवरानी गए थे। तो मेरी देवरानी को जल्दी आना था, क्योंकि छोटा, आपको पता है छोटा बाबू है, तो छोटे बाबू को सुलाना होता है, और मम्मी अभी वहीं है जागरण में, बट हम लोग आ गए थे। तो चलो गाइस, ज्यादा बातें नहीं करती हूँ मैं आप लोगों से, सीधा आप लोग को दिखाती हूँ माता रानी का दरबार, और साथ ही साथ आप लोग भी माता रानी के भजन कीर्तनों को इंजॉय कीजिए। और माता रानी से यही आशीर्वाद, माता रानी से यही प्रार्थना कीजिए कि आप सभी लोगों के, आपके घर परिवार को माता रानी सुखी रखे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शिवांशी देखो, शिवांश तुम्हारे घर में कीर्तन है आज, बोलो कीर्तन है आपके घर में, चलो जय करो, चलो आशीर्वाद लो, भगवान जी से आशीर्वाद लो। जय राधे राधे करो, बोलो राधे 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 राधे। शिवांश, शिवांश जी गिर गए, ढोलक बजाना है शिवांश जी, चलो बैठ कर ढोलक बजाओ। जय राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे गणपति बप्पा जगदम्बे काली जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे। राज है यहाँ पे माता की चौकी, और हमें थोड़ा लेट हो गया, हम मंदिर जा रहे हैं, हम दोनों पीछे मम्मी लोग आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ नवरात्रि का, आज है सातवां नवरात्रि, छठा और सातवां नवरात्रि इस बार एक ही साथ आया है। तो अभी हम आए मंदिर और टाइम हो गया है 9 बज गए, और आज हम सभी लोगों का फास्ट था। तो चलो अब दिखाती हूँ आपको अंदर चौकी किस तरीके से हो रही है।
देखिए आप लोग, गाइस 10 बज चुकी है और माता की चौकी हो गई है कंप्लीट। सारे भक्तजन आ गए अपने घरों के लिए, जा रहे हैं सारे। तो गाइस चौकी कंप्लीट हो गई है, आप लगा लो 7:30 से स्टार्ट थी, हम लोग 9 बजे गए, लेट गए हम, और अभी 10 बज चुके हैं। चौकी हो गई है और अभी हम जा रहे हैं जागरण में। हमारी गली के पीछे ही किसी ने जागरण करवाया है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे लगा आज माता के नाम का एक ब्लॉग बना देती हूँ छोटा सा। चलो गाइस यहाँ पे है जागरण, तो अभी हम पहले घर जा रहे हैं, छोटे को देख रहे हैं कहीं छोटा रो तो नहीं रहा है। बस आगे वाली हमारी गली है, फिर हम आएंगे यहीं पे। मम्मी लोग पीछे हैं, वो आ रहे हैं और हम दोनों अभी घर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा छोटे को देख रहे हैं, देख रहे हैं अभी स्टार्ट हो रहा है जागरण, हुआ नहीं है क्योंकि 10 बजे से स्टार्ट है, पूरी रात चलेगा। तो हमने सोचा पहले घर जाते हैं कहीं छोटा, अपने दादाजी के पास से परेशान ना कर रहो। नहीं है बाहर नहीं आके, नहीं अभी तो हम वापस आ गए
क्योंकि हम घर की साइड नहीं, हमें लगा बाहर पे हैं पापा, पापा से बात हुई थी बट पापा अंदर हैं तो हम नहीं गए घर की ओर, हम अभी सिर वहीं पे जा रहे हैं। ये आगे लाइट दिख रही है आपको, यहाँ पे जागरण है। एक बार पूजन के लिए आ जाइए आगे। इतने जल्दी कौन उठ पाए, जागरण में आ गए हम।